ये जो प्रोडक्ट है हमारा सैनिटरी नैपकिन, इसको हमने अमोदनी सैनिटरी नैपकिन का आज ही नाम दिया है। तो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल है, उसमें बहुत 90% प्लास्टिक की मात्रा रहती है। एकदम दूसरा वो उनका जो डिस्पोजल है वो 500 से 600 साल लगते हैं एक सैनिटरी नैपकिन को डिग्रेड होने में एनवायरमेंट में। काफ़ी ऐसी गंदी गैसेज इवॉल्व होती है उनसे, जब वो कहीं भी लैंडफिल में पड़े हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन कि काउज तक इंजेस्ट कर जाती है क्योंकि कूड़े में कभी सेकेंड लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट निकल के आया कि हमने क्लॉथ बेस्ड सैनिटरी नैपकिन बनाने हैं। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे पंजाब यूनिवर्सिटी में, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ मैडम सीमा कपूर हैं। महावारी को जो है एक बड़ी ही समस्या के तौर पर लिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, हालांकि ये एक प्राकृतिक घटना है। तो आइए हम मैडम सीमा कपूर से जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है एक प्रोडक्ट महावारी के लिए तैयार किया है, सैनिटरी नैपकिन पैड जो बनाए हैं, बायोडिग्रेडेबल है, और किस तरह से ये आजकल के मौजूद प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट है। मैडम बताइए इसके बारे में। हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट है हमारा सैनिटरी नैपकिन, इसको हमने अमोदनी सैनिटरी नैपकिन का आज ही नाम दिया है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये टीम की कोलैबोरेशन से बना है, इन एक्टर्स टीम ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, वर्सटाइल ग्रुप लुधियाना एंड डिवेलपिंग इंडिजिनियस रिसोर्सेज NGO, जहाँ पर ये लेडीज बना रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि जो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल हैं उसमें बहुत 90% प्लास्टिक की मात्रा रहती है। एकदम दूसरा वो उनका जो डिस्पोजल है वो 500 से 600 साल लगते हैं एक सैनिटरी नैपकिन को डिग्रेड होने में एनवायरमेंट में। तो हमारे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, बहुत कार्बन फुटप्रिंट को छोड़ रहे हैं, और काफ़ी ऐसी गंदी गैसेज इवॉल्व होती है उनसे, जब वो कहीं भी लैंडफिल में पड़े हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन कि काउज तक इंजेस्ट कर जाती है क्योंकि कूड़े में कभी सेग्रीगेशन नहीं होती। तो हमने इनेक्टर्स ने और वर्सटाइल ने मिलके, ये कोरोना चल रहा था तब ये सोचा, क्योंकि दोनों का ही एक ही मकसद था कि हमने ऐसा कुछ करना है। तो ये प्रोजेक्ट निकल के आया कि हमने क्लॉथ बेस्ड सैनिटरी नैपकिन बनाने हैं। ये रीयूजेबल है, वॉशेबल है, इको फ्रेंडली है, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है कि जो लेडीज बना रही है तो सारा जो मनी है वो उनको ट्रेडिंग चार्जेस मिलते हैं। तो ये कई मुद्दों से ये प्रोजेक्ट हमारा लेके चल रहा है ऑब्जेक्टिव के साथ, एम्प्लॉयमेंट लेडीज़ के लिए जो अंडरप्रिविलेज है, इको फ्रेंडली है क्योंकि एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करना चाहते हैं जैसे और सैनिटरी नैपकिन्स कर रहे हैं, तो इनको हम कॉस्ट इफेक्टिव भी है एक्चुअली, क्योंकि यदि हम देखें एक लेडी यदि 10 to 15 नैपकिन्स यूज़ करती है दूसरे, सो लेट्स से 100 rupees उसका आता है, तो ये एक पर 10 नैपकिन ले लेगी, क्योंकि अभी बहुत सब्सिडाइज रेट पे ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर वर्सटाइल के हम उनको बिल्कुल ही कम रेट पे दे रहे हैं 50 rupees पर नैपकिन। सो यदि वो 10 भी लेती है तो 500 rupees है, ये 500 rupees कम से कम एक नैपकिन 50 washings ले सकता है, तो ये 2 साल चलेंगे उसके जो 10 नैपकिन्स हैं। विजाविस जो कन्वेंशनल वो लेगी उसका अराउंड 2000 से ज़्यादा खर्चा आएगा, सो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो कई ऑब्जेक्टिव्स हमने इसके प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे किए हैं और कई NGOs का साथ जोड़ा है जिससे हमें फीडबैक आई है। तो कुछ फीडबैक के लिए आपके पास आज भी अवेलेबल है, NGOs जिनको बुलाया गया है यहाँ पे वो बताएंगे आपको, और फीडबैक बहुत कंस्ट्रक्टिव है। वी आर रियली ब्लेस्ड गॉड्स ग्रेस के साथ ये हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकल के आया है। मैडम जो फिलहाल हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर है पंजाब यूनिवर्सिटी की मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं जो आजकल के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं वो लड़कियों को या गर्ल्स को फील होते हैं और क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं। जो रूटीन जेल एंड अल्ट्रा जेल पैड्स हैं उनसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉट विद द कॉटन वंस डेफिनेटली। तो जेल एंड अल्ट्रा जेल में एलर्जी प्रॉब्लम्स हैं, मटेरियल एंड फंगल प्रॉब्लम्स हैं, सो दे नीड टू बी एड्रेस्ड विद डेफिनेटली द कॉटन वंस। किस तरह की समस्याएं रहती हैं उसमें? उसमें एलर्जी में रैशेज हो जाते हैं, फ्लेक्चर रैशेज होते हैं, और इचिंग होती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शन होती है, तो फिर वो आगे फर्दर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी इन्फेक्शन फैल सकती है। दे मे हैव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन एंड ऑल, वहाँ पे आगे इन केस शी बिकम्स प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, तो बच्चों में भी टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आते हैं।
कैंसर तक कहा गया है कि कुछ रिसर्चेस हुए हैं जिसमें कहा गया है कि सर्टन कैंसर्स आर आल्सो ड्यू टू दिस। हमारे साथ वर्सटाइल ग्रुप की जो है गीतांजलि जी हैं, हम उनसे जानते हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है, किस तरह से जो बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो सैनिटरी पैड्स अभी हम यूज करते हैं वो 800 साल तक 700 साल तक जो है खत्म नहीं होते और जमीन के ऊपर ही मौजूद रहते हैं, उससे कई तरह की समस्याएं जो रहती हैं, तो ये प्रोडक्ट किस तरह से जो है नेचर के साथ मैच करेगा। हम जो वन टाइम यूज करते हैं पैड वो सीधा एक बार में यूज़ करने के बाद वो कूड़े में जाता है, कूड़े से लैंडफिल में चला जाता है। ये जो प्रोडक्ट जिसको हम रीयूजेबल कहते हैं, ये हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद इसका डिस्पोजल आता है। जबकि जो कमर्शियल या दूसरे हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, एक लेडी अगर हफ्ते में 20 नैपकिन यूज़ कर रही है अपने एक जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसका, तो वो 20 के 20 जो है वो लैंडफिल में चले जाएंगे, और वो 20 के 20 को 500 से 800 साल अगर लगते हैं डिग्रेड होने में, तो ये वाले जो हैं 20 नैपकिन जो हैं वो रीयूज़ होके वो अगले मंथ के लिए, फिर उससे अगले मंथ के लिए, ऐसे कम से कम भी हम 2 से 3 सालों के लिए हम ये जो है जो डिस्पोजल प्रोसेस है वो डिले कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये किस शेप में जाएंगे 2 से 3 साल या 4 साल बाद जाएंगे, ये भी लैंडफिल में, अगर जब तक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी सेग्रीगेशन की नहीं बनाती, बट एटलीस्ट दैट डिस्पोजल process has been delayed for 4 years or 3 years. तो कितना जो waste है इसमें generate होता है हमारा, अगर आपने कोई survey इस तरह का किया? बहुत सारी studies internet पे भी हैं और surveys NGOs research भी हो रही है, तो हिंदुस्तान में एक tentative figure निकल के ये तकरीबन 12 million हर साल जो है sanitary pads landfill में जा रहे हैं। तो आप और एक sanitary pads कहते हैं कि 4 प्लास्टिक के लिफाफों के बराबर है, अगर इतना वॉल्यूम प्लास्टिक का लैंडफिल में जा रहा है जिससे वो एयर को भी पोल्यूट कर रहा है, अर्थ को भी पोल्यूट कर रहा है, और सीपेज के थ्रू वो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है, तो हम इंटेंसिटी सोच सकते हैं कि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एक यंग पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में हमारा देश गिना जाता है यंग पॉपुलेशन में, सो दैट मीन्स वी हैव गॉट मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन ऑल्सो, तो कितना जो है आप सोचो कि एक तरह का सैनिटरी डिस्पोजल लैंडफिल्स में इस टाइम करंटली जा रहा है, क्योंकि करंटली गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसी नहीं है कि भाई इसको कंपलसरी है सेग्रीगेट करना, सो द गवर्नमेंट द पॉलिसी मेकर्स हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट इट इफ दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारे साथ कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज भी किया है, सैनिटरी नैपकिन को पिछले काफी समय से यूज कर रहे हैं, उनको किस तरह से जो है ये कंफर्टेबल लगा ये नहीं से जाते? ये जो न्यू सैनिटरी नैपकिन है जो फ्लोर से बना हुआ है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें पहनने से क्या होता है कि चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इन्फेक्शन, कोई कट, कोई स्वेटिंग या किसी तरह की कोई स्मेल है, इससे कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले जो पुराने जो नैपकिन मैं यूज़ करती थी उसमें मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती थी, कट पड़ जाते थे, इन्फेक्शन हो जाती थी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और रिजनेबल प्राइस पे है और कंफर्टेबल बहुत है, और इसको हम रीयूज कर सकते हैं, और इसको धोना और सुखाना बहुत ही इजी है और इसमें कोई स्टेन नहीं रहता, तो ये तो मतलब हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बनाया हुआ नैपकिन है, जो हम वर्सटाइल और इन नेक्टस ने हमारी हेल्प की DIRNGO की, और हमने यहाँ पे बनाना शुरू किया DIRNGO में, तो हमें थैंक यू करते हैं हम वर्सटाइल का और नेक्टस टीम का कि इन्होंने हमें ये मौका दिया, धन्यवाद। तो ये कहना है वॉलंटियर्स का कि जब इसको प्रयोग करा तो बड़ा ही जो है कंफर्टेबल इसका एक्सपीरियंस रहा। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि इसको रीयूज किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल है, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनवायरमेंट की एक समस्या है जो कि सरकारों की भी समस्या है। अर्थ प्रकाश के लिए साजन शर्मा, कैमरामैन मनीष के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।